वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बायोलॉजी गुरु, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में होता क्या है, इसमें ये तो एब्सेंस होगी या एक्सेस होगा, किसका, क्रोमोसोम का। इट इज़ कास्ड बाय द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम के लेवल बात कर रहे हैं, इसलिए इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स, एन्यूप्लाइडी और यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी में क्या है कि हम एक या दो क्रोमोसोम प्लस वन प्लस टू या माइनस वन माइनस टू, इनको कम या ज़्यादा करते हैं। यूप्लाइडी में पूरा सेट, ठीक है, तो पूरा सेट चेंज करते हैं, एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव एन सिक्स एन। तो ये तो हैप्लॉइडी हो गया, ये डिप्लॉइडी हो गया, ये ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी। लास्ट लेक्चर में हालांकि हमने को डिटेल लिखा था। अब पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पॉलीप्लॉइडी आता है। तो 2n तक तो नॉर्मल कंडीशन रहती है। अब 2n से यदि ज़्यादा जा रहे हैं, 3n हो रहा है, 4n हो रहा है, 5n हो रहा है, 6n हो रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, पॉलीप्लॉइडी के बेसिस पे। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी पहले, ठीक है। अब एन्यूप्लॉइडी में हम क्या पढ़ रहे हैं, एन्यूप्लॉइडी द फेलियर और सेग्रीगेशन ऑफ वन क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ सेल साइकिल, राइट। सी जैसे कि ये है, इसमें 2n इक्वल टू कितने दिख रहा है, 6। अब 1 2 3 4 5 6 6 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। गैमीट बनाएंगे तो आधे आधे जाते हैं, तो इसमें जब सेपरेशन हो रहा है, इसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉन डिसजंक्शन। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक साइड तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, एक साइड 4 चले गए और एक साइड कितने रह जाएंगे, 2। तो इसमें एक ज़्यादा हो गया तो n प्लस 1, इसमें एक कम हो गया तो n माइनस 1, ये गैमिट्स हैं। अब यदि ये नॉर्मल n से ये मिलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कम होगा, ये इसमें अगर नॉर्मल n से करेंगे तो एक ज़्यादा होगा। ओके, तो इस तरह कंडीशन होती है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जब ये सेपरेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो इसमें ये तो गेन होगा, इसमें गेन हो रहा है, या लॉस होगा, इसमें लॉस हो गया क्रोमोसोम। ओके, नाउ अब इनके टाइप देख लेते हैं किस तरीके से होते हैं। तो टाइप की जब हम बात करते हैं, इसमें होता है नल्लीसोमी। नल्लीसोमी क्या होता था, 2n-2, मोनोसोमी में 2n-1, ट्राईसोमी में 2n+1। अब उनको नाम कैसे रखना है, तो 2+1 कितने हो गए, ट्राई हो गया, तो ट्राईसोमी। टेट्रा 2+2, टेट्रासोमी। मोनोसोमी 2-1, तो दो में से एक ही एक बचेगी, तो मोनोसोमी बोल दिया। नल्लीसोमी 2-2, जीरो हो जाएगा, तो नील हो गया, नल्लीसोमी। सोमी जी नल्ले हो गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जीरो तो नहीं हो रहा है। जैसे हम मोनोसोमी की बात करें तो अपने अंदर कितने होते हैं, 2n=46 होते हैं, और 46 में से -1 करना है, कितने रह जाएंगे, 45। ऐसे इसमें भी 2n=46, तो -2 करेंगे तो कितने रहेंगे इसमें, 44। तो ये है नल्लीसोमी का मीनिंग। ओके, तो हमारे जो अभी NCERT में है, तो मोनोसोमी है और ट्राईसोमी है। मोनोसोमी एग्जाम्पल दे रखा है टर्नर सिंड्रोम का, ठीक है। इसमें कि जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है, 1x टर्न इंटू जीरो, कैसे रखना है, टर्नर 1x टर्न इंटू जीरो, ये टर्नर सिंड्रोम हो गया। ट्राईसोमी में एक बढ़ जाएगा तो 47 हो जाएंगे, इसमें 45 रह जाएंगे, तो ये दोनों पढ़ने हैं। ओके, अब ट्राईसोमी कहाँ कहाँ हो रही है, ट्राईसोमी का यहाँ देख लेते हैं। ये लिखा है हमने 21st क्रोमोसोम्स, इसमें जोड़े में रहते हैं, पेयर्स में जोड़े दिख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, ठीक है। क्लाइनफिल्टर में भी क्या हो, एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, देखो आ गया एक्स वाई और एक एक्स्ट्रा ये हो गया। अब पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आपने जैसे सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं ना, सेल साइकिल, तो उसमें डीएनए तो बढ़ जाता है, लेकिन कई बार क्या है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती। तो इसमें क्या है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रही है आफ्टर टेलोफेज, एंड रिजल्ट इन क्या होगा, इंक्रीज द होल सेट, पूरा सेट इंक्रीज हो गया क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये ऑफनली कहाँ देखते हैं, वी कैन सी इट वेयर इन द प्लांट्स में, इनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई सेल है, सेल में कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ये तो इससे क्या होगा, तो इसके अंदर हो गई पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। ओके, अब पॉलीप्लॉइडी के भी दो टाइप हैं, ठीक है। एक होती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ओके, और दूसरी होती है एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो में क्या होगा, सेम सेट, जैसे 1 2 3 और 4, चार से दिख रहे हैं, सेम सेट हैं तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी। अलग अलग हैं इस तरीके से, तो ये भी चार सेट है, 1 2 3 4, लेकिन दो अलग अलग सेट है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एलो। एलो मतलब डिफरेंट पॉलीप्लॉइडी। ओके,
अब हम बात कर रहे हैं ट्राइसोमी के बारे में। तो ट्राइसोमी में क्या है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। यदि 13 क्रोमोजोम है ना, इसमें दो तो पैर में ही एक और बढ़ गया तो ट्राइसोमी हो रही है। तो 13 पे यदि हो रहा है तो उसको बोलते हैं पटायू सिंड्रोम। ओके, 18 E4 एडवर्ड, तो 18 पे हो रहा है उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें भी ट्राइसोमी हो रही है, मतलब क्रोमोजोम बढ़ जाएगा। 21 पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो बेसिकली देखा जाए तो 21 क्रोमोजोम कौन सा है, ऑटोसोम है, क्योंकि 22 पेयर्स होते हैं ना, तो इससे नीचे आ रहे हैं। कैसे रखना है, 21 से नीचे आ रहे हैं तो डाउन में आ रहे हैं, तो इसलिए डाउन सिंड्रोम ऐसे रखना है। E4 एडवर्ड 18 डाउन, 21 से नीचे डाउन आ रहे हैं, इसलिए डाउन सिंड्रोम। ओके, अब सेक्स क्रोमोजोम में ट्राइसोमी हो रही है। ये जो ट्राइसोमी है ना क्लाइनफेल्टर, ये किसके बेसिस पर है, सेक्स क्रोमोजोम से बढ़ रहा है एक, ये कहाँ बढ़ रहा है, ऑटोसोम में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्राइसोमी दोनों में ही हो रही है, दोनों में ही 2N+1 हो रहा है, यानी 46+1 हो रहा है, यानी कि 47 हो रहा है, इधर भी और इधर भी, लेकिन अंतर है ये सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड है और ये ऑटोसोम से है। अब हम डाउन सिंड्रोम पढ़ लेते हैं। सो इसमें हमने देखा कि एडिशनल कॉपी आ गई किस क्रोमोजोम में, 21 पे, ट्राइसोमी हो गई है। किसने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था इसको, लैंग डॉन डाउन, जो कभी डॉन था अब डाउन हो गया है, इन 1866 मारा था इन्होंने। ओके, द अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है कैसा होता है, इनकी हाइट बहुत छोटी होती है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे NCERT में, शॉर्ट स्टेचर्ड यानी शॉर्ट हाइट के होंगे, स्मॉल राउंड हेड होता है। ओके, फिर और टंग, अब इनकी जो जीव होती ना वो उसमें एक खांसी रहती है, ठीक है, और पार्शली ओपन माउथ, और जीव थोड़ी सी बड़ी भी होती है, मुंह भी खुला रहता है, ठीक है। ब्रॉड पाम क्रीज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका फीचर, ब्रॉड पाम क्रीज, ये वाला ब्रॉड पाम होता है, जो हथेली होती है बहुत चौड़ी होती है और इनमें एक लाइन खींची रहती है, उसे कहते हैं पाम क्रीज, एक ही लाइन होती है बस, जैसे अपने हाथों में रेखाएं होती है ना, इसमें एक ही रेखाएं हैं बस केवल, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, नेक्स्ट हम देखा जाए तो क्या है इसमें, फिजिकल यानी कि फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, साइकोमोटर साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट इनका रिटार्डेड होता है, फिजिकल भी साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाता है, रिटार्डेड रुक जाता है। ये फिगर NCERT का है 5.6, उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें क्या लिख रहा है, ये देखिए ब्रॉड फ्लैट फेस। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लैट रहती है इनका पीछे बैक जो रहता है हेड का ब्लैक, ठीक है, फ्लैट रहता है। मैनी लूप्स, इनकी जो उंगलियाँ हैं ना गोल गोल सी होती हैं, लूप्स पाए जाते हैं ऑन द फिंगर टिप्स। ओके, पाम क्रीज, एक लाइन खींची रहती है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, पाम क्रीज होता है। बिग एंड रिंकल टंग, लंबी मुंह जीभ होती है वो, इसलिए ओपन माउथ होता है, खुला रहता है माउथ, ठीक है। और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, यानी बचपन से ही इनमें हार्ट डिसीज रहती है, ठीक है, ये लिखा है बिग एंड रिंग, ठीक है, ये सब हो गया। अब कैसे पता पड़ रहा है, ये आपका कैरियोटाइप है, ये क्या है, कैरियोटाइप है। और कैरियोटाइप में आप देख पा रहे हैं ये सब पैर में है, पहला क्रोमोसोम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लगे हुए हैं सब लाइन में। तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहे हैं, कितने दिखा रहे हैं, 1, 2, 3, तो ये आपका हो गया इसके बारे में। अब इसमें देखेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव फिगर शोइंग द इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विद द डाउन सिंड्रोम, ओके, करस्पॉन्डिंग टू क्रोमोजोम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये है आपका कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप से हम इनका आइडिया लगा सकते हैं, जो भी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हैं ना उनका कैरियोटाइप के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि पता पड़ जाएगा कि ट्राइसोमी हो रही है, क्या हो रही है। अब हम पढ़ रहे हैं क्लाइनफेल्टर के बारे में। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस वजह से होता है, ये होता है XXY, यानी एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, तो इसमें भी 47 क्रोमोजोम्स होंगे। तो इस प्रेजेंट ऑफ व्हाट, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स रिजल्टिंग इन कैरियोटाइप, कैसे दिखेगा इसका, 47 हो जाएंगे, कैसे, XXY, क्योंकि 44 तो ऑटोसोम्स हो गए ना, प्लस XXY हो गया, तो 47 हो गया। ओके, अब इसमें देखिए आप कि जब XXY है तो XY है तो इसके मेल के भी फीचर होंगे और XX है तो फीमेल के भी फीचर होंगे, लेकिन ये ज़बरदस्त हैं क्लाइनफेल्टर्स, ठीक है। तो इनमें देखिए किस तरीके से दिखा रहे हैं, इनका जो ओवरऑल मस्कुलर डेवलपमेंट, मसल्स वगैरह तब तो रहेंगी वो बिल्कुल आदमियों की जैसे, मेल की तरह, और साथ साथ चूँकि XX भी है तो फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसमें ब्रेस्ट होता है, इसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, ये भी हो जाता है। लंबे रहते हैं, लंबे तड़ंगे रहते हैं, खूब मसल्स एकदम बॉडी सॉलिड बहुत बढ़िया रहती है, विथ फेमिनाइज करेक्टर्स, ये है इनका। एंड सच इंडिविजुअल, क्या वे फर्टाइल होते हैं या स्टराइल होते हैं, दे आर स्टराइल। ओके, NCERT का फिगर देख लेते हैं। इस फिगर में हम देख पा रहे हैं ये आपका
क्लाइनफेल्टर देखिए आदमी की लंबाई चौड़ाई, दे आर टॉलर देन द एवरेज हाइट जो होती है उससे ज़्यादा लंबे हो गए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इसे क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। ओके, इसमें टेस्टिस वगैरह स्मॉल टेस्टिस होते हैं जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर एट्रॉफी। ओके, और इसमें कुछ प्यूबिक हेयर्स होते हैं, है ना, फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर्स भी इसमें पैटर्न पाया जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गायनेकोमेस्टिया, ये बहुत पूछते हैं। एंड दे आर कैसे होते हैं, दे आर स्टराइल इन नेचर, कैसे होते हैं, स्टराइल होते हैं। ओके, एंड ये दूसरा है आपका, अभी हम आगे पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जैसे फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वन एक्स टर्न इंटू जीरो, ऐसे रखना है, वन एक्स टर्न इंटू जीरो, तो मेकअप क्या हो गया, एक्स जीरो यानी 44 प्लस एक्स जीरो, तो 44 और एक ही तो है, 45, तो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 45। यहाँ पे क्या होगा, 47 होंगे इनमें। इनमें क्या होता है, इनकी हाइट बहुत छोटी हो जाती है, लिखा है ना शॉर्ट स्टेचर, स्टेचर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हाइट के बारे में बता रहे हैं, है ना, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है इनका, रूडिमेंट्री ओवरी, ओवरी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती, डेवलप नहीं हो पाती, एंड देर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, तो ये भी इनका फीचर्स हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा है इन्होंने, टॉल स्टेचर विथ फीमेनाइज करेक्टर्स, यहाँ पे शॉर्ट स्टेचर है, अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन करेक्टर, तो ये भी कैसी होती है, ये भी देखा जाए तो ये भी कैसी होती है, दे आल्सो स्टराइल, ये भी कैसे होते हैं, स्टराइल। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, क्लाइनफेल्टर, ये किसके बारे में हो गया, टर्नर सिंड्रोम के बारे में। चलिए टर्नर सिंड्रोम देख लेते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स जीरो यानी 44 तो वो हो गया आपके ऑटोसोम, ठीक है, और प्लस, तो इसमें कैसे रखना है, वन एक्स टर्न इंटू जीरो टर्नर सिंड्रोम, तो इसे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स कम होता है, सच फीमेल्स आर स्टराइल, ये भी स्टराइल होती हैं, और रूडिमेंट्री ओवरीज हमने डायग्राम में देखा, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, ठीक है, जो फीमेल में रहते हैं वो सब इनमें नहीं होते हैं, शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट हाइट रहती है, अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन करेक्टर, इसलिए ये सब रूडिमेंट्री ओवरीज, तो ये सब कैसे होते हैं, दे आर स्टराइल इन नेचर। ओके, अब इन चीज़ों कैसे देख सकते हैं, जो भी आपके क्रोमोसोम डिसऑर्डर हैं इनको हम ईजिली स्टडी कर सकते हैं, किसके थ्रू, कैरियोटाइप के थ्रू। ओके, जैसा कि हमने डाउन सिंड्रोम देखा था ना, किस तरीके क्रोमोसोम लगे हुए थे लाइन से, तो वो कैरियोटाइप एनालिसिस के थ्रू आप इनको हम आसानी से देख सकते हैं कि इनमें क्या गड़बड़ी हुई है। तो आपने क्या देखा, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर किससे रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम से, टर्नर में एक कम हो जाता है, क्लाइनफेल्टर में एक ज़्यादा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, ऑटोसोम्स, क्योंकि 21 पे है तो 22 पेयर्स तो ऑटोसोम होते हैं, तो उससे नीचे आना है 21 से, तो डाउन सिंड्रोम। ओके, E418 एडवर्ड सिंड्रोम, बट आयु 30 पे है, तो ये इस तरीके से ये हो गया। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल रहे हैं अपन, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, इनहेरिटेंस में इसमें क्या देखते हैं हम, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कि जो जीन्स होते हैं प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है कि नहीं होता है, जैसे सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर भी जीन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर भी जीन होते हैं, डीएनए दोनों जगह होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ कहाँ होता है, न्यूक्लियस में तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, ठीक है। इनके जो जीन्स हैं ना, तो उनको बोलते हैं प्लाज्मा जीन्स, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा जीन्स, एंड ऑल प्लाज्मा जीन्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, प्लाज्मोन बोलते हैं, जैसे कहते हैं जीनोम, यहाँ प्लाज्मोन बोल दिया। तो इनहेरिटेंस जो है, जो प्लाज्मा जीन्स का है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस के अलावा है, ये तो बाहर है ना साइटोप्लाज्म में, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसी को मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ऑर्नल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, कैसे, जैसे हम देखते हैं कि जब भी आपने देखा हो कई बार बकरी वगैरह देखी हो, या आपने भैंस वगैरह या गाय का बच्चा देखा हो, तो माँ के अगर निशान है ना, माथे पे तिलक टाइप से लगा है, तो उसको भी एकदम इस तरीके से तिलक लगा होगा, या कहीं पे भी बॉडी स्पॉट कोई होगा माँ के, तो वो बच्चे में भी होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि देखो न्यूक्लियस तो दोनों के सेम, जितना क्रोमोसोम नंबर इसमें उतने इसमें है, तो ये तो बराबर रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आगे जो डेवलपमेंट होगा जायगोट में, तो यहाँ फीमेल के एग का साइटोप्लाज्म का ज़बरदस्त रोल होता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, वो भी अपना इफेक्ट दिखाएंगे। तो जब साइटोप्लाज्म की हम बात करते हैं, तो वो केवल किसका काम आता है, एग का। तो साइटोप्लाज्म, एग इज मोर देन द स्पर्म, ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल पेरेंट, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, फीमेल पेरेंट।
चूँकि ये मैटरनल है, इसी को यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिपेरेंटल, क्योंकि केवल फीमेल के थ्रू ही जा रहा है ना, फीमेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू जा रहा है, इसलिए कार्ड इज मैटरनल इंडन जैसे क्वेलिंग ऑफ सेल इन स्नेल। अब चूँकि बेसिकली होता क्या है, होता तो उसी से ही है, इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैं तो उन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं ऑर्गेनेल इनहेरिटेंस। जैसे क्लोरोप्लास्ट के क्या एग्जाम्पल हैं, मिराबिलिस जलापा। इसमें देखा गया कि यदि फीमेल को हम, अगर हम फीमेल के रूप में लें वाइट लीफ, ओके, और यहाँ पे मेल ले लें हम वेरीगेटेड, वेरीगेट लेते हैं या ग्रीन ले लें, कैसे ले लें हम ग्रीन, तो आगे जो प्रोजेनी आएंगी सब में वाइट लीफ आएगी, क्योंकि जैसी माँ वैसे बच्चे। यदि आपने माँ को यहाँ ग्रीन ले लिया है तो सभी बच्चे ग्रीन होंगे, जितने भी प्लांट्स बने सब ग्रीन लीफ वाले होंगे। तो ये इस तरीके से देखा गया था मिराबिलिस जलापा 4 o'clock में, ओके। और इन साइंटिस्ट ने देखा था एक ऐसे आई जॉप इनहेरिटेंस, ये कहाँ होता है मेज में, ये भी किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ पॉकी, पॉकी कॉलोनी, पॉकी कॉलोनी क्या होती है, ये इम्बेलेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल फिजियोलॉजी, माइटोकॉन्ड ढंग से काम नहीं कर पाता, उससे पॉकी कॉलोनी बनती है, ओके। इसी तरीके से आपका ये कहाँ देखा गया, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, एक फंजाई है, ये क्या है, फंजाई है, ठीक है, उस पर देखा गया था। साइटोप्लाज्म मेल स्टडी, ये क्वेश्चन तो दम से आता है, साइटोप्लाज्म मेल स्टडी किसकी वजह से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होती है, जीन्स इसके इसमें पाए जाते हैं, कहाँ देखा गया इसको, मेज में। पिटाइट कॉलोनी, कॉलोनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती है ईस्ट में, किसी वजह से, माइटो तो कॉलोनी की छोटी छोटी रह जाती है, स्मॉल कॉलोनी, इसको बोलते हैं पिटाइट, ओके। तो ये आपके हो गए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माँ का साइटोप्लाज्म सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। माँ का इसलिए मैटरनल, यूनिपेरेंटल सब इसी को बोलते हैं। इसको आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस के थ्रू। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या है, अगर सेम रिजल्ट आ रहे हैं चाहे आप कौन सा भी ले, मेल या फीमेल लें, तो हो गया न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। और साइटोप्लाज्म वाला है ना, तो उसमें अगर आपने जैसे कि एक बार हमने ये ले लिया था फीमेल, ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा था, वाइट लीफ ली थी तो सभी वाइट आ रहे थे। अब उल्टा करेंगे, अब हम इसको लेंगे ग्रीन और इसको लेंगे वाइट, मेल को लेंगे वाइट, तो अब क्या देखेंगे, ग्रीन आएंगे, जैसी माँ वैसे बच्चे, तो रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना। पहले के रेस में वाइट आ रहे थे, जैसी माँ वैसे बच्चे, दूसरे के में माँ को हमने ग्रीन कर दिया तो ग्रीन आ रहे हैं, तो वो रिजल्ट अलग अलग आते। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ ऐसे करके, तो ये आपका रेसिप्रोकल क्रॉस से आप देख सकते हैं। यदि डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं तो वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, और सेम रिजल्ट आ रहे हैं तो वो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है। तो इस तरीके से आपका जेनेटिक्स पूरा हो गया है। अब चूंकि जेनेटिक्स हमने पूरा पढ़ा दिया है, तो आप क्या करें कि एक पूरा वीडियो है जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन, ठीक है, उनको ज़रूर देखें किस तरीके से रहेगा, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया, गुड लक।